नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारा जीवन भोजन से चलता है दोस्तों, और भोजन जो है अगर हम किसी भी तरह करते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। भोजन के भी नियम हैं इस संसार में, सृष्टि में सब कुछ नियम से ही चल रहा है, तो हमें हर कार्य अगर नियम से करेंगे तो उसमें हमें लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर भोजन आप भी करते हैं और आपको कुछ मंत्र जो हमारे जीवन से बहुत संबंधित है भोजन से, उसको जान लेने से आपके जीवन में आपको ऊर्जा अधिक मिलेगी भोजन करने से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे भोजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए। भोजन को पूर्व दिशा में बैठकर करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप भोजन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अन्न देवता को प्रणाम करें, उनसे विनती करें कि मेरी बहुत अच्छी किस्मत है जिसके कारण हे प्रभु मुझे अन्नपूर्णा माँ के दर्शन हुए। और भोजन करने से पहले उन्हें भगवान को भोग जरूर लगाएं। और आपको मंत्र याद हो तो ठीक है, नहीं याद है, कुछ नहीं कर सकते, तो आप हाथ जोड़ करके ही जल अर्पण करके प्रभु प्रसाद पाओ, तुलसी दल डाल करके। और मंत्र ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। दोस्तों, इन मंत्रों के साथ में आप अन्नपूर्णा का ध्यान और उनका आशीर्वाद पाएं और माँ को प्रणाम करके तब भोजन करें, क्योंकि भोजन हमारे थाली में आए तो हम जितने प्रसन्न मन से करेंगे भोजन, उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो दोस्तों, हाथ पैर को धो करके और पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाले को तो सबसे पहले तीन भाग करना चाहिए, और पहली रोटी गाय के लिए, उसमें भी कुछ मीठा लगाकर अगर आप देंगे तो कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके रुके हुए कार्य शीघ्रता से पूर्ण होने लगेंगे। कुत्ते और कौवे के लिए भोजन जरूर निकालें। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होना चाहिए और सबको कुछ लगा कर देना चाहिए, और फिर अग्निदेव को भोग लगाएं, फिर परिवार को भोजन परोसे। दोस्तों, अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम रख दें, बाद में इनको दें, और यदि परिवार के लोग एक साथ भोजन करेंगे तो इससे आपके घर में प्यार बढ़ेगा। और खड़े खड़े भोजन जूते चप्पल पहनकर कभी नहीं करना चाहिए। भोजन कैसा भी हो तो उसमें परमात्मा का निवास है, ईश्वर की कृपा से मिला है, वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, इसलिए भोजन की कभी बुराई नहीं करना चाहिए। कभी बिस्तर पर भोजन नहीं करना चाहिए, आपको बुरे सपने आएंगे। दोस्तों, किसी पीपल पेड़ और वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, इससे आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा आती है। भोजन हमेशा जमीन पर पालथी मारकर बैठकर खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और ये भोजन करने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। कुछ आप नीचे आसन बिछा लें, उसके ऊपर बैठकर के पालथी लगाकर भोजन करें, ये सबसे अच्छी अवस्था, और आपकी जो मांसपेशियां मजबूत होंगी, इससे आपका मन शांत होगा, भोजन पूरी तरह आपके शरीर को मिल पाएगा। भोजन चबा चबा के करना चाहिए। भोजन हमेशा शांत भाव से, बिना बोले प्रसन्न भाव से करना चाहिए। चिंता और दुख को त्याग करके भोजन करना चाहिए, तभी हमारे शरीर में वो लगता है, नहीं तो बीमारियों को भोजन भी जन्म देता है। भोजन उतना ही करना चाहिए जिससे भूख मिटे, अधिक भोजन भी रोग को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, ये रही भोजन से जुड़ी कुछ नियम जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, और भी ढेर सारी रोचक जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, जिससे हर रोचक जानकारी आप तक आसानी से जा पाए। तो दोस्तों, यूं ही आप सभी से मैं मिलती रहूँगी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर से परमात्मा से जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।